पहले निकल के गया, बट वहीं पे कोर उनको डाउन किया जाएगा। अर्नब वहां पे थे, मौजूद थे, उन्होंने प्रिंस उनको देख लिया गया, जोनाथन वहां पे स्पॉट किए गए। एस पावर तैयार है वो M249 के साथ, उन्होंने एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, प्रिंस को वहां पे डैमेज दिया गया, बट हेडीज वहां पे अर्नब उनको डाउन किया जाएगा नियो के द्वारा। में भी आपको इतना डैमेज पड़ता है कि अगर आप फुली बूस्टेड नहीं हो आप आसानी से डाउन, उनको भी डाउन किया जाएगा इन्फोर्ने को द्वारा। टीम गॉडलाइक एक एक्स्ट्रा जो फिनिश है वो अपनी टीम के लिए निकाल सकते हैं, और इसी के साथ टीम गॉडलाइक तीन फिनिशेस के साथ, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे योगदान दिया जा सकता है टीम गॉडलाइक के द्वारा। एक जो टीम आई थी कोड रेड की उनको एलिमिनेट किया गया, बट देखना ये टीम गॉडलाइक क्या वो पुश करने को तैयार है। तीन खिलाड़ियों के साथ यहाँ पे मौजूद, एक खिलाड़ी ऑलरेडी व्हीकल लेके निकल चुका है, इस पावर आपको आगे जाते हुए नजर आएगा, बट व्हाट नियो आपको ध्यान देना चाहिए था, इस पावर अभी तो थोड़ी देर पहले आपके बगल से वो खिलाड़ी निकला, बट ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो टीम गॉडलाइक के द्वारा देखा जा सकता है। जी हाँ वो तो देखा गया, बट क्या रिवाइवल यहाँ पे पूरा हो पाएगा? जी नहीं, इसी गॉट बीट डाउन। क्या गॉडलाइक का क्वालिफिकेशन खतरे में, नियो एक आखिरी खिलाड़ी उनके पास, एक टीम है सामने से पूरी टीम आई एम, चलिए उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरा प्लेयर सामने, गॉडलाइक इट्स ओवर, दे आर आउट ऑफ दिस लॉबी। एंड PGIS 2023 से भी आपको वो बाहर जाते हुए दिखाई देंगे, उनको अंकों की जरूरत थी, उन्हें 20 से कहीं ज्यादा अंकों की जरूरत थी, मात्र 4 अंक उन्होंने निकाले, बट नियो कैसे नहीं देख रहे, आपके बाजू से वो खिलाड़ी गाड़ी लेकर निकला था और आपने वहीं ठिकाने पे ग्रेनेड थ्रो किया, और इसी के साथ टीम गॉडलाइक उनका भी एलिमिनेशन के जोन के अंदर एक ही पोजीशन, बट नियो एक शानदार नेड आया, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया और आप पुश करके सामने आईएम का स्क्वाड ये भी कुछ कम नहीं है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जोनाथन पे लगा तो है यहां पे स्प्लैश डैमेज, बट देयर वी गो, जोनाथन कम्स अप विद द ग्रेनेड, भी है वो सर्वाइवल गेम के लिए जाने जाते हैं और सर्वाइव अभी भी करते हैं, और बगी के साथ बचने की कोशिश, कार्नेज ये पार्कौर दिखाते हैं बट उनको भी नॉक करा जाएगा। अब आईएम केवल 2 प्लेयर्स के साथ है, बहुत मुश्किलें बन चुकी है, मैं देखना चाहूंगा क्या वो करते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। जी गॉड को यहाँ पे लूसिफर के द्वारा डाउन जरूर किया गया, लूसिफर अभी भी वहां पे एक जंप शॉट आएगा, बट एस पावर वाज रेडी फॉर देम, एक ही प्लेयर मात्र बचा है टीम आईएम के, और वो यहाँ पे टीपीपी एडवांटेज लेने की कोशिश करते हुए, बट एस पावर उनको पता है वो प्लेयर कहाँ है, खत्म करेंगे आईएम को। नसी क्या नियो एक 1v4 करके दिखा सकते हैं, शॉट लिया, पहले प्लेयर को डैमेज बहुत दिया, पोजीशन रिवील्ड है, नेट्स आएंगे, नेट से बचना लगभग नामुमकिन रहेगा। अब नसी क्या यहाँ पे कुछ वो कर सकते हैं, क्लच क्या वो कर सकते हैं, मुश्किलें बहुत, नेज बहुत स्मोक के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश, एक प्लेयर को हॉटस्पॉट किया, नॉक करा जाएगा, फिनिश करने की कोशिश की जा रही है, बगी आएगी, बगी से बचना बहुत जरूरी, बगी को इग्नोर करेंगे, जी नहीं सामने बगी आई, स्पॉट करने की कोशिश, बट वो प्रोन हो गए, एक प्लेयर को देख नहीं पा रहे, स्मोक वहां पे देखने को मिलता है, बट बगी के अंदर गए। टीम गॉडलाइक सीम्स लाइक देयर आल्सो इन ट्रबल, जी गॉड है सामने की तरफ, लेकिन जोनाथन बचे हुए हैं आखिरी खिलाड़ी, पीछे से जी गॉड थोड़ा सा डिस्टेंस में है, लेकिन जी गॉड नियो दोनों प्लेयर डाउन हो चुके हैं, जोनाथन गेट्स डाउन एज वेल, तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।